हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू राइट डाउन एन इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन बता दूँ, ये नॉर्मल वाले इंट्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है, बट वो इंट्रोडक्शन जो आप रिसर्च राइटिंग में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप थीसिस बनाते हैं या आप रिसर्च पेपर लिखते हैं या आप आर्टिकल लिखते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, उसमें अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो इंट्रोडक्शन लिखते हुए आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स सी कि आप इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं ये बताऊँगी कि इंट्रोडक्शन होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन की में कौन कौन सी आउटलाइन होती है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है आपके इंट्रोडक्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सो उसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं और आपके जो ओपनिंग पैराग्राफ की डिटेल्स होंगी, वो सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरी आज की इस वीडियो का जो गोल है वो है टू एक्सप्लेन कि इंट्रोडक्शन होता क्या है, एंड इंट्रोडक्शन के जो बेसिक पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करूँगी, आपको बताऊँगी कि क्या फॉर्मेट है इंट्रोडक्शन लिखने का, एंड जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू राइट डाउन अ रिसर्च पेपर, तो रिसर्च पेपर लिखते हुए भी पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। वहाँ पर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट हाउ इम्पॉर्टेंट द इंट्रोडक्शन इज़। इंट्रोडक्शन लिखते हुए जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ताकि आपका जो राइट रीडर है वो उसकी तरफ उसकी अटेंशन ग्रैब हो सके। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एन इंट्रोडक्शन इज, होता क्या है इंट्रोडक्शन। मे बी मैनी डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द राइटिंग यू आर डूइंग, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च राइटिंग, जब हम एम्पिरिकल पेपर की, किसी प्रपोजल की, रिसर्च पेपर की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन का काम होता है ये तीन जो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला काम है आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना, आप जिस टॉपिक पे काम कर चुके हैं उसके बारे में लोगों को बताना कि आपने किस चीज़ के ऊपर काम किया है, लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड करना, इंट्रोड्यूस करवाना। देन आपके इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत आपके टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू भी होता है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि आपके टॉपिक को डिफेंड करने के लिए मज़ीद आपने जो जो दूसरे लोगों के काम उठाए होते हैं, दूसरे लोगों के रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, उनके थीसिस, उनके जर्नल्स में से आपने डिफरेंट जगह से सर्च आउट करके जो लिटरेचर निकाला हुआ होता है अपने टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको यहाँ पर ऐड करते हैं अलॉन्ग विद द रेफरेंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बंदा कोई बात कर रहा होता है ना, उसकी इतनी वर्थ नहीं होती है। जब बहुत सारे लोग एक बात करते हैं तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही लिटरेचर रिव्यू की भी यही इंपॉर्टेंस है कि आप जो बात कर रहे हैं आप लोगों को ये बताएं कि मैं अकेला ये नहीं कह रहा, मुझसे पहले और लोग भी इस टॉपिक के ऊपर काम करके जा चुके हैं और इससे रिलेटेड एविडेंस या डेटा ऑलरेडी मौजूद है। देन थर्ड पॉइंट होता है, जो थर्ड गोल होता है इंट्रोडक्शन का, वो ये होता है दैट इट स्टेट्स योर हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस। आपने जो भी हाइपोथेसिस बनाया है, हाइपोथेसिस क्या होता है अगर शॉर्टली बताऊं, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट जिसमें आप एक जो राइटर होता है, जो रिसर्चर होता है, वो एक इंटेलिजेंट गेस दे रहा होता है कि मेरा ये अंदाज़ा है कि ऐसा होता है। इस इंटेलिजेंट गेस में कोई भी दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताया जा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं टॉपिक लिख रही हूँ कि स्मोकिंग इज़ द कॉज ऑफ डेथ, फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं इस चीज़ के ऊपर डिफेंड करना चाह रही हूँ, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है ना दैट स्मोकिंग इज़ रिलेटेड टू डेथ या इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, यहाँ पे मैंने अब ये अंदाज़ा लगा दिया, इंटेलिजेंट गेस लगा दिया एज अ रिसर्चर कि स्मोकिंग की वजह से डेथ रेट बढ़ रहा है। तो ये अब मेरा वो आइडिया है जिसके ऊपर मुझे रिसर्च पेपर में काम करना है, एविडेंस गैदर करना है, ताकि ये सही या गलत साबित हो सके, राइट? अब बात करते हैं हाउ टू राइट डाउन एंड इंट्रोडक्शन। ये जो मैंने जहाँ से ये स्लाइड्स ली हैं वो बेसिकली साइकोलॉजी का डाटा है, लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट दिस वीडियो तो आप इस इंट्रोडक्शन के पार्ट को हर तरह के रिसर्च पेपर लिखते हुए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप IR की फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप इकोनॉमिक्स की रिसर्च कर रहे हैं, आप सोशियोलॉजी की रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने यही तरीका आजमाना है, ऐसे ही आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। सो सबसे पहले आता है आउटलाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन, कि आपके इंट्रोडक्शन लिखते हुए कौन कौन से
कंटेंट्स ऐड करने होते हैं। तो सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आपको एक ओपनिंग पैराग्राफ ऐड करना होता है जो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें आप डिटेल्स बताएं और इंट्रोड्यूस करवाएं अपने टॉपिक को खूबसूरत अंदाज में, अटेंशन ग्रैब करते हुए, ताकि राइटर का जो रीडर है उसकी अटेंशन मज़ीद बढ़ सके। उसके बाद आप उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऐड करते हैं जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की है, और आखिर में आप उसमें समरी पैराग्राफ और स्टेटमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस ऐड करते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। सबसे पहले आता है ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ क्या है? दिस इज़ अ की पैराग्राफ, इट लेट्स द रीडर नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ये शुरू का पैराग्राफ है, इसने जो रीडर है पढ़ने वाला उसको बता दिया कि भाई तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करना कि मैं इसमें ये काम करने वाला हूँ। आपने पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसमें आप यू मेंशन पेपर्स यू विल रिव्यू इन द मोर डिटेल्स लेटर, और फॉर अ वेरी लॉन्ग पेपर इट मे बी मोर देन वन पैराग्राफ। अगर आप पेपर बहुत डिटेल लिख रहे हैं तो ओपनिंग पैराग्राफ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो रिसर्च पेपर लिखते हैं उसमें आप एक पैराग्राफ में ही, जिसको आप ओपनिंग पैराग्राफ कहते हैं, उसमें आप डिटेल्स ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब ओपनिंग पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं, ये आपके पास पॉइंट्स हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ द जनरल टॉपिक, आपका जो भी टॉपिक है आप उसको स्टेट कर दें। और मेरा ये सजेशन है, और जो मैंने डिफरेंट जगहों से पढ़ा है इंट्रोडक्शन लिखने के बारे में, तो एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आई मुझे कि अटेंशन ग्रैबर ज़रूर ऐड करें। अटेंशन ग्रैबर का मतलब होता है जैसे आप कोई मूवी या कोई ड्रामा कुछ रिलीज़ होता है ना, तो उससे पहले उसका टीज़र दिखाया जाता है, ट्रेलर दिखाते हैं, ताकि देखने वालों की अटेंशन ग्रैब हो सके, उनको पता लग जाए दैट व्हाट टू एक्सपेक्ट। सो देखने वाले जो ऑडियंस हैं वो भी फ़ौरन से जाके टिकट खरीदते हैं कि यार कुछ होने वाला है, देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू बी हैपन दैट आई नीड टू वॉच। सो जाता है टिकट खरीदते हैं और ऐसे प्रॉफिट कमाते हैं फिर मूवी मेकर्स। सेम एज जब आप रिसर्च पेपर लिखें और ओपनिंग पैराग्राफ लिखें, तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट स्टोरी ऐड कर दें, कोई एग्जांपल ऐड कर दें, कोई डाटा ऐड कर दें, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ भी ऐसा ऐड करें जिसकी वजह से रीडर की अटेंशन बढ़ जाए और वो मजबूर हो जाए, इंटरेस्टेड हो जाए मज़ीद आपके रिसर्च पेपर को पढ़ने के लिए। सो जो आप स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट ऐड करेंगे, उसमें बेसिकली आपने अपने जो स्टडी है उसका एम भी बताना है कि आपकी स्टडी का एम क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक स्टडी करना चाह रही हूँ कि अभी मैं देख रही हूँ अराउंड के मेडिकल एजुकेशन और ह्यूमैनिटीज़ का आपस में इनकॉर्पोरेशन बढ़ता जा रहा है। HEC ने भी इवन कहा है कि भाई जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अब ह्यूमैनिटीज़ को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करवाएं। सो मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं इस पर काम करना चाह रही हूँ, तो मुझे बताना होगा कि मेरी स्टडी का एम ये है, दैट आई वॉन्ट टू नो दैट हाउ द फ्यूचर इज़ हेल्थ ह्यूमैनिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे जो हमारी हेल्थ साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं उनमें ह्यूमैनिटीज़ का इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। सो मुझे अपने स्टडी का एम ओपनिंग पैराग्राफ में ऐड करना है, राइट? उसके बाद ये एक एग्जाम्पल है साइकोलॉजी की, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, एक मैंने आपको वर्बली बता दी है हेल्थ ह्यूमैनिटीज़ की। ये कुछ डिटेल्स हैं, ये जो मैंने आपके साथ पीछे बैकग्राउंड में ये जो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इनकी डिटेल्स हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू रीड, सो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर योर रेफरेंस। जितने भी पॉइंट्स हैं उसको डिटेल में एग्जांपल के साथ बताया गया है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, जब ओपनिंग पैराग्राफ ख़त्म हो जाए तो इसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो है लिटरेचर रिव्यू। यानी आपने ओपनिंग पैराग्राफ दे दिया, आपने कोई अटेंशन ग्रैबर ऐड कर दिया, आपने टॉपिक को स्टेटमेंट दे दी, अपना एम बता दिया, अब आपने लिटरेचर रिव्यू ऐड करना है। यानी अब आपने मुख्तलिफ जगहों से, रिसर्च पेपर से, आर्टिकल से, जर्नल से या किसी किताब से अपने टॉपिक से रिलेटेड डाटा लेना है और उसको पढ़ने के बाद उसको ऐड कर दें। आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप उसको ऐड करें और साथ में आप उसका रेफरेंस लिख दें। ठीक है, तो इस तरह ये होगा कि आपको लिटरेचर भी मिल जाएगा अपने टॉपिक से रिलेटेड, और आपके पास मज़ीद डिटेल्स भी आ जाएंगी और आपके पॉइंट्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे। और आखिरी चीज़ जो आपको अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करनी होती है वो है द समरी। समरी के अंदर बेसिकली
इट इज़ अ डिटेल स्टेप, और इसमें ये होता है, इट्स नॉट जस्ट द डिटेल स्टेप, इसमें होता है कि आपने जो कुछ भी ऊपर बातें की है ना उसको आप समराइज करके ऐड कर दें, तो यहाँ पे इस तरह आपका इंट्रोडक्शन बन जाता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप जब भी कोई भी रिसर्च पेपर लिखें तो आप उसमें जब इंट्रोडक्शन लिखें तो इंट्रोडक्शन लिखते हुए आप इन पॉइंट्स का ख्याल रखें, सो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।